વાપીની પ્રમુખ S3 સોસાયટી દ્વારા લોકડાઉનની સ્થિતિમાં શ્રમિકોને જમવાનું મળી રહે તે માટે રાશન કિટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. વાપીમાં ચલા વિસ્તારની પ્રમુખ S3 સોસાયટીના રંજન શર્મા, અરવિંદ પાલીવાલા અને ઓમ વોરા અને મુન્નાસિંહ સહિતના સભ્યોએ સોસાયટીના રહીશોના સહયોગથી રાશન કિટ તૈયાર કરી જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને વિતરણ કરી માનવતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. है कि आज हमारा देश कोरोना वायरस के महामारी से ग्रसित है और ये महामारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. सरकार हमारे लिए बहुत कदम उठा रही है. सरकार के हमारा एक अनुरोध है आप लोगों से कि सरकार के सारे नियमों का, दिशा निर्देश का पालन करें और सब अपने अपने घर में ही रहें. लॉकडाउन का जरूर पालन करें. जैसा कि देख रहे हैं कि लॉकडाउन होने के कारण काफी सारे मजदूर, गरीब लोग जगह जगह फंसे हुए हैं. उनको खाने पीने की भी दिक्कत हो सकती है. इसलिए आज हम लोग अपने प्रमुख स्त्री निवासी जितने भी हैं सब मिलकर एक दान अनाज वितरण करने की एक पहल की है. हम लोग धीरे धीरे हर एक जो क्षेत्र हैं, आज जैसे सरस्वती नगर, हरे कृपा नगर में आए हैं, वैसे ही और हम लोग दूसरे दूसरे क्षेत्र में डेली जाते हैं और अनाज वितरण करते हैं ताकि गरीब लोगों को उचित समय पर उनको खान पान मिल सके और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो. आपसे भी यही उम्मीद करते हैं. सारे लोगों से यही अपील है हमारा कि सब अपने अपने घर में रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अच्छी तरह अनुसरण करें. इससे ही हमारी भलाई है और हमारे देश की भलाई है. जय हिंद.